ट्रेलर लुक्स वेरी अमेजिंग, जो जिस तरह का रिस्पॉन्स आया काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और 14 को रिलीज होने वाली है, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो पहले? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, यू नो एवरीबडी इज बीन गिविंग पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट, और सब ऑडियंस को पसंद आ रहा है, व्यूअर्स को पसंद आ रहा है, और यू नो अदर माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री व्हेन दे आर रिवर्टिंग वेरी पॉजिटिवली, एंड आज हमारा प्रीमियर है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बिकॉज यूजुअली अदरवाइज व्हेन यू वॉच अ प्रोजेक्ट एंड आप यू नो जब ओपनिंग देखते हो तो ठीक है आप देखते हो, बट व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू एंड यू नो एवरीबडी इज अ क्रिटिक एट दैट टाइम, सो यू गेट अ चांस टू विटनेस सबके जो रियल एक्सप्रेशंस हैं, सो आई रियली विश एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, आई विश सबको पसंद आए, और 14 फरवरी को रिलीज हो रही है इश्कियात, आप सब ज़रूर देखिएगा, वैलेंटाइंस वाले दिन आ रही है, प्यार की कहानी है, और you know just fingers crossed right now. The chemistry looks really good. Tell us something about the chemistry. Thank you. ज़्यादा क्या कहूँ, I think it was you know very coincident कि हम एक ही मतलब you know हमने एक show किया है, अलग अलग seasons किए हैं, and then we came together and you know we did a project इश्कियात. I knew राहुल पहले से, but we didn't know each other personally, like you know कभी मिल गए award show में, we knew हाँ ठीक है कौन है, but ऐसे कभी personally नहीं जाने का मौका मिला था, but this time we worked together and it was great working with him. और अच्छा यू नो सब कुछ हमने बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत मज़ा आया, एंड एवरीबडी इज़ लविंग इट, एवरीबडी इज़ लविंग द केमिस्ट्री इज़ वेल, सो आई विश इट वर्क्स फॉर अ स्टोरी इज़ वेल. काफ़ी अलग ही नज़र आ रही है आप इस सॉन्ग में, कश्मीरी गर्ल के इसमें, तो कैसा लग रहा था, क्या चैलेंजेस लगा आपको इसमें? दिस टाइम ये जो मेरा कैरेक्टर है ये एक्चुअली बहुत अलग है. Here is very different from what till now I have portrayed in other projects in as other characters. Here is something different. She's you know a bubbly girl, a chirpy girl, जो मैंने शायद अभी तक मुझे audience ने किसी character में इस तरह से नहीं देखा है. And you know she's कश्मीरी मुस्लिम इज़ वेल, और वो उसके बात करने के तरीके से भी समझ में आएगा, लेकिन शी इज़ इन हर ओन लाला लैंड, प्यार में है और दीवानी है, और देखते हैं आगे क्या होता है. एक इमोशनल जर्नी है हीर और कबीर की, विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स, विद ऑल द फीलिंग्स. एंड व्हेन यू डू अ शॉर्ट मूवी यू हैव अ फ्यू टाइम, सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू और इट वाज अ चैलेंजिंग टू डू दिस? इट वाज चैलेंजिंग आई कैन से, क्योंकि you know we shot this in 2 to 3 days in Manali and places like that in north. Bahut thand thi, December mein shoot kiya hai, to you know snowfall was also there, beech beech mein thand bahut hi minus mein temperature tha, so thoda challenging tha, aur bahut kam short period of time tha, but usme bahut kuch hame batana tha, bahut kuch kehna tha, song tha, and you know there were other things as well, but we did our best, aur bahut maza isliye bhi aaya kyunki it was my hometown, I was shooting in Himachal. So yeah, to maza aaya hai, ab dekhte hain audience ko kitna maza aata hai. And what kind of response you are looking forward to? Positive one, definitely positive one. फिलहाल तो यही सोच रही हूँ कि आज तक अभी तक जैसे हमने देखा है सबको ट्रेलर बहुत पसंद आया है, आई रियली विश फिल्म भी बहुत पसंद आए, और बहुत ही सिंपल सी प्यार की कहानी है, लेकिन अलग तरीके से अलग नज़रिए से सुनाई गई है. आई एम श्योर एनीबडी एंड एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू इट, और सबको पसंद आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये है हमारे साथ, सबसे पहले मैं बताती हूँ, कृष्णा जी जिन्होंने गाना गाया है इश्कियात, जो कि बहुत खूबसूरत गाना है, आई लव इट, और ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, कैप्टन ऑफ द शिप ब्लैक वंशी सर, इसी बात पे खाने पाए, और ये हमारे राइटर सर हैं, राइटर ईशान सिंगरा. ओह वाओ, द स्टोरी इज लवली, लेट मी टेल यू. सर गाना काफी कमाल का लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में? गाना जब इन्होंने मेरे से डिस्कस किया तो हमने बात करी कि बैकड्रॉप जो है कश्मीर का है, तो आई सजेस्टेड कि हम सूफी कुछ ऐसा इस तरीके का रेंडिशन लगाएं इसमें, वैसा कुछ तो सुदर्शन दास करके हैं कोलकाता में, उनसे हमने कंपोजिशन ली, बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन बनाई उन्होंने, सोहम मजुमदार ने लिखे हैं इसके लिरिक्स. बहुत अच्छी, एक्चुअली आई वॉज रियली शॉक्ड, इश्क में मर जावा 1 और 2 जो मर्जर हुआ है ना, ये बहुत अच्छा था, और ये थोड़ा ना अलग ही था, स्ट्रेंज था, मतलब अचानक ये कैसे हो गया, जो दोनों उसमें
हम लोगों का ना एक शॉर्ट मूवी जो मेरा स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, वो मेरा वो अपने रिलीज नहीं हुआ है और अलीशा का ऑलरेडी 3 आ चुकी है. तो मैं अलीशा से हमेशा ही पूछती हूँ कि ना अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नंबर मुझे भी दो जरा, कि मैं अपने डायरेक्टर को बोलूँ प्लीज इसे रिलीज करो. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब ये कैसा नया आया है. बिकॉज एवरी थिंग वॉट एवर शी डज, जितना मैंने भी इसके साथ काम किया है, जो ट्रेलर देखा है, जो भी है, तो ये बहुत एक तो ऑनेस्टली काम करती है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा मन से करती है. मतलब अपने मूड का जितना भी इसमें 100% दे सकती है ना, देती है. यस कि हम अगर प्रीमियर रख रहे हैं and it's the first look of the film, we will be watching it, so we wanted you know, the people surrounding us have to be the very close ones and you know, who can actually give all the positive vibes for the film and to us, and it was a movie, so I had to be here. I love you. Really good. What do you want to say about the trailer? Main to waise Rahul ka fan hu aur the promos are so good. मुझे बहुत मजा आया प्रोमो देख के और मैं इतना क्यूरियस हूँ देखने के कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और कश्मीर की वादी में दो ऑफ कोर्स यार, क्या कमाल है और क्या क्या रोमांस दिख रहा है प्रोमो में, क्या जुनून दिख रहा है. एंड आई थिंक राहुल जो भी काम करता है बहुत कमाल का करता है. एंड दे बोथ आर ब्यूटीफुल एक्टर्स एंड आई एम श्योर कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा. कश्मीर में एक अलग सा रोमांस होता ही है, कश्मीर की वादियों में अलग सा एक हल्का सा रोमांस और पैशनेट रोमांस होता है ना. सो आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट आई एम श्योर कि इसमें होगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा.